दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सोनिया रघुवंशी। इस वक्त की खास खबर हाथरस के सासनी से आ रही है, आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। सासनी में उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के बैनर तले नगर पंचायत सासनी के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने से आज से 3 दिन की काम बंद हड़ताल पर बैठे जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक, जिसमें उप जिलाधिकारी सासनी लवगीत कौर ने धरना पर बैठे सफाई कर्मियों से की वार्ता और समाधान कराने का प्रयास किया, जिससे नगर पंचायत में सफाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके। नगर पंचायत सासनी पर सफाई कर्मियों द्वारा जो काम बंद हड़ताल चल रही है, जो आज एसडीएम को भी आना पड़ा है आपकी वार्ता के लिए, क्या वजह है ये हड़ताल जारी? यह नगर पंचायत सासनी में आज जो स्थिति नगर पंचायत की सफाई कर्मियों के सामने उत्पन्न हुई है, वो अपनी न्याय उचित मांगों को लेकर के और पूरी सरकार भी जानती है और यहाँ का शासन प्रशासन भी जानता है। कोरोना काल में, लॉकडाउन में हमारे लोगों ने मूल मूत्र उठाकर नगर वासियों को, शहर वासियों को स्वच्छ बना के देने का काम किया। कोरोना काल की यानी कि 2020 की, अभी तक इनको वेतन नहीं मिला हमारे सफाई कर्मियों को। 3 माह का वेतन हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों उनको नहीं मिला, इनका 2.5 साल से करीब PF जमा नहीं हो रहा है और तमाम की इतनी समस्या कर्मचारियों के सामने, जो कि आप भी सुनेंगे पत्रकार महोदय जी, आप भी परेशान हो जाएंगे। रिटायरमेंट हमारे कर्मचारी पड़े उनको कुछ नहीं और हमारे परमानेंट कर्मचारी उनको कुछ नहीं, केवल झूठे वादे। ठीक है, मानते हैं प्रशासनिक अधिकारी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी हमारे बीच में पधारे, हमारे सभी कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और शासन से भी, ऐसी क्या इनको समस्या आ जाती है जो इनका भीतर रोका जाता है और इन्हीं को परेशान किया जाता है और इनको अपने पैरों तले रौंदने का काम किया जाता है। इससे पूर्व भी हमें एक आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन हम लोग क्यों करते हैं, केवल परेशान होकर अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ पर बैठे हुए मूलभूत उठाने का काम करते हैं हमारे लोग, लेकिन उनको समय से वेतन नहीं मिलता। तो 2 माह के वेतन है और हमारा PF फंड में 2 साल से PF जमा नहीं किया गया और हमारे तमाम कर्मचारियों की समस्या, जैसे हमारे यहाँ पर रिटायरमेंट कर्मचारी हो गए, SDM साहब ने यही कहा है कि ठीक है मैं कल यू आने के बाद जो तुम्हारी समस्या है, जो तुम्हारी तनख्वाह है, कल मैं तुम्हारी डलवा दूंगी। मैं ठीक है, मैं अपने कर्मचारियों से वार्तालाप करके अभी आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि हम तो जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारे कर्मचारियों के खाते में 2 माह का वेतन नहीं पड़ जाता है। नगर पंचायत सासनी में सफाई कर्मियों की काम बंद हड़ताल ये बार बार क्यों होती है, इसकी वजह क्या है आपकी नज़र में? देखिए, नगर पंचायत का चार्ज अभी मेरे पास लगभग 3 से 4 महीने पहले आया हुआ है। जैसा कि मैंने समझा है, उसमें सिर्फ ये है कि इनके वेतन की समस्या रहती है। वेतन में क्या है कि यहाँ की SFC थोड़ी सी कम है, पैसा ग्रांट जो है कम आती है, कम आने के पीछे इनकी वेतन रुक जाती है थोड़ा थोड़ा, और वो पैसा काफ़ी हो गया है। लेकिन इस समय की समस्या ये नहीं है, इस समय की समस्या ये है कि इनका वेतन इस महीने का नहीं पड़ पाया है, जो कि 20 दिन लेट है, जैसे हम भी मानते हैं। हुआ क्या है कि हमारे जो यूए हैं सातवीं जो यूए थे पहले, उनको वो सस्पेंड हो चुके हैं, अब सस्पेंड हो चुके हैं, नया यू आएंगे वो कल तक आ पाएंगे और कल आने के बाद उनके साइन पड़ेंगे, साइन पड़ने के बाद जब सेल भी पड़ेंगे, लेकिन ये हर दर्जी पर बैठे हुए हैं कि हमें कल तक का भी समय नहीं दे पा रहे हैं और कल के बाद 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद इनका वेतन पड़ जाएगा,
लेकिन ये अब समझ ही नहीं रहे इस बात को। मैंने इन्हें खूब समझा दिया, उसके बाद एसडीएम साहब को भी बुलाया था मैंने, एसडीएम साहब ने भी काफ़ी देर समझाया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही है। अब ये संभव नहीं है कि आज ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे जो ईओ हैं, जो नए डीएम साहब ने किए हैं यहाँ के लिए, वो ईओ इस समय लखनऊ है। लखनऊ हमने उनको फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं, लेकिन आते आते उन्हें कल का ही समय मिल पाएगा फिर भी, अब ये समझ नहीं पा रहे। माना कि ये हिंदुओं के जो त्यौहार है और वो भी आ रहे हैं और चल रहे हैं, उस दौरान ये है हड़ताल होना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर, गलत तो है ही है। और ये इनको कॉपरेट करके चलना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तो इनके भी है भाई, लेकिन ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं और उसका हमको खामियाना भुगतना पड़ रहा है कि सामाजिक छवि हमारी ख़राब हो रही है। आज नगर में शासनी में काली का मेला भी है और दूसरा आगामी समय में और भी मेले हैं, तो मैंने उनके लिए सुचारू व्यवस्था करने के लिए इनको खूब समझाया है कि भाई ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप भी सामाजिक हैं और मैं भी सामाजिक हूँ, तो समाज के हिसाब को देखते हुए इनको आज हड़ताल नहीं करनी चाहिए। सारे दोषी यही हैं, इन्हें कॉपरेट करना चाहिए। सैलरी तो इनकी मिलेगी, कहीं जाएगी नहीं, सैलरी आ चुकी है और सैलरी बन भी गई है, लेकिन ईओ के अभाव के कारण ईओ नहीं है, इस चक्कर में ये सारा कुछ रखा है, ये समझ। मौके पे एसडीएम साहब भी आई हैं साथ में। हाँ, एसडीएम साहब भी आई है, उन्होंने क्या वार्ता का क्या है, उन्होंने भी यही समझाया है कि भाई सैलरी तो आपकी बन चुकी है, हमारे बाबू ने सैलरी तो बना दी है, अब सैलरी बनाने के बाद वो केवल मेरे सिग्नेचर से ही नहीं निकलेगी, उसमें ईओ के भी साथ में सिग्नेचर होते हैं, होटल पर चढ़ती है और फिर जो ईओ के जो सारे और भी फॉर्म जो होती हैं, जैसे कि बैंक में भी उनके साइन चेंज होने हैं, वो सारी प्रक्रियाएँ होती है, उस प्रक्रिया में 2 दिन से 3 दिन का समय लगता है। अब ये 3 दिन के लिए मान ही नहीं रहे हैं। कलम बंद हड़ताल करते हैं या काम बंद हड़ताल करते हैं तो क्यों मुश्किल आनी पड़ती है हड़ताल? मांगों को सुना है, कुछ वेतन और कुछ पुरानी सुविधाओं संबंधी इनके मांगे हैं, जिसको लेके अभी चेयरमैन साहब से और इनके ईओ साहब से वार्तालाप की जा रही है, जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। कह तो रहे हैं, मतलब अभी बात तो हुई, आश्वासन है कि हड़ताल खत्म कर देंगे, वरना व्यवस्थाएं फिर कराई जाएंगी। अब आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्क को एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।